चुनाव के बाद जो पहला बड़ा त्यौहार होली, उस उपलक्ष्य में जो आज विधायक जी ने यहाँ पर होली मिलन समारोह रखा है, क्या संदेश देना चाहते हो आप? आज मैं प्रेम रंगों के आर्ट के त्यौहार होली के इस अवसर पर नाटोवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आज इस त्यौहार के मौके पर मैं देना चाहता हूँ। और होली जो त्यौहार है वो एक बुराई का अंत और एक अच्छाई की शुरुआत का एक त्यौहार माना जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में एक जो बुराई की सरकार थी उसका अंत होकर कांग्रेस की जो एक अच्छी सरकार है उसका विजय हुआ है। साथ ही आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो बुराई रूपी बीजेपी की पार्टी उस रावण का अंत होगा, तभी इस देश में सौहार्द प्रेम का प्रेम भाईचारे का वातावरण बनेगा। साथ ही जो बेरोजगारी, जो नोटबंदी, जिस तरीके के फैसले 5 सालों में लिए गए उनका अंत होकर एक नई उम्मीद के साथ, नए रोजगारों के साथ, नए सौहार्द के साथ, नए प्रेम भावना के साथ आने वाले समय में इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तभी इस देश में मैं समझता हूँ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस होली के त्यौहार के मौके पर एक बयान देना चाहिए कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है वो तय करेगा इस देश ये देश किस दिशा और दिशा में जाएगा। तो हमें आज से प्रण लेकर आने वाले चुनावों में लगना है। इस त्यौहार के मौके पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, लाडवासियों को उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मुस्कान फिल्म्स और आज की खबर जो है वो लाडनू से विधायक कांग्रेस के मुकेश बाकर जी के कार्यालय से है, जहां विधायक जी ने आज होली के इस त्यौहार के अवसर पर एक बहुत ही शानदार स्नेह मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें लाडनू कस्बे सहित लाडनू विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिन सबको विधायक मुकेश बाकर जी ने शुभकामनाएं दी और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव है उसमें जो सरकार भाजपा की है उसको उखाड़ फेंक कर और कांग्रेस की सरकार लाने की अपील की। आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लाडनू विधायक मुकेश बाकर जिस प्रकार से उनको अपने आप पर विश्वास है, लोगों पर विश्वास है कि आने वाले समय में भाजपा सरकार को गिराकर कांग्रेस की सरकार जो आने वाली है उसका जो नतीजा है उन्होंने देख लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी।